बच्चों के साथ दरिंदगी से मारपिटाई करने वाले अध्यापकों पर अब कानून की चाबुक चलेगी। अगर क्लास में बच्चे को सजा के रूप में मुर्गा बनाया गया तो टीचर को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। स्कूल में मुर्गा बनाया तो 3 महीने की सजा, 1,00,000 रुपए का जुर्माना। दोबारा ऐसी हरकत करने पर जा सकती है नौकरी। जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में हाल ही में संशोधन। जेजे एक्ट के तहत सेक्टर 77 के तहत टीचर बच्चे को किसी तरह की सजा देता है, बच्चा उसकी शिकायत खुद जुवेनाइल कोर्ट या जिला प्रोबेशन अधिकारी के जरिए अदालत में याचिका दायर करता है तो सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे से नशीली चीज मंगवाने पर 7 साल कैद, 1,00,000 रुपए जुर्माना। भीख मंगवाने पर 5 साल कैद, 1,00,000 रुपए जुर्माना। बच्चे से हत्या करवाने पर फांसी या उम्र कैद की सजा। बच्चे को उग्रवादी बनाने पर 7 साल कैद, 5,00,000 रुपए जुर्माना। बाल मजदूरी कराने वाले को देना होगा 1,00,000 रुपए का जुर्माना। मजदूरी कराने पर 5 साल की कैद भी हो सकती है। पहले सिर्फ 3 साल की सजा का ही प्रावधान था। स्कूलों में बच्चों पर होने वाले टॉर्चर, मारपिटाई और अध्यापकों की मनमानी के खिलाफ अब कानून सख्त हो गया है। यानी अब बच्चों की आड़ में गलत काम करने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसे में उन स्कूलों पर गाज गिरना तय है जो बच्चों से स्कूल में मजदूरी कराते हैं या फिर सजा के नाम पर स्कूलों में बच्चों के बाल तक काट दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अब मनमाने गुरुओं की खैर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। एक रिपोर्ट हमने आपको सबसे पहले दिखाई और उस रिपोर्ट के बाद हमने यही जानने की कोशिश की कि कैसे अब जेजी एक्ट में, क्योंकि संशोधन हो चुका है, अब इसमें जो अध्यापक पहले तमाम मनमानी करते थे, बच्चों पर टॉर्चर किया जाता था, अब ऐसे गुरुओं पर सख्ती की जाएगी। जी हाँ, अब बच्चों पर दबंगई जो भी अध्यापक दिखाते थे उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अगर टीचर ने बच्चों पर जाति करने की कोशिश की या टीचर होने का रौब उनको दिखाया तो इसके लिए उन्हें जेल की सजा तक खानी पड़ सकती है। अब इसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हम अक्सर देखते हैं कि किस तरह का रवैया टीचर्स का रहता है अक्सर अपने स्टूडेंट्स के प्रति। कई बार खुद हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से इस तरह की खबरें दिखाई हैं कि कैसे स्कूलों में जो टीचर हैं बच्चों पर अत्याचार करते हैं, पिटाई करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, मजदूरी तक उनसे करवाई जाती है, क्लासों की सफाई करवाई जाती है। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों एक और केस हमने आपको दिखाया था अंबाला का जो था, वहां पर सबके सामने एक छात्र के बाल काट दिए गए थे। हालांकि बाद में सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन इसके बाद अब सजा का प्रावधान हो चुका है। अब ऐसे में जो भी ऐसे टीचर्स हैं उन पर सख्ती हो सकती है। न सिर्फ टीचर की पिटाई बल्कि बच्चों से काम कराने, मजदूरी कराने और उन्हें जबरन अपराध में धकेलने के लिए भी अब सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन जहां तक बात है हरियाणा के स्कूलों की, तो आए दिन स्कूल में मजदूरी कराने की तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं। मामूली सी बात पर टीचर का टॉर्चर देखने को यहां मिलता है, तो क्या ऐसे में नियम से हरियाणा के बच्चों को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, जेजे एक्ट, उस एक्ट के तहत अब सेक्शन नंबर 77 के तहत टीचर बच्चों को किसी भी तरह की सजा अगर देता है तो उस पर जुर्माना भी हो सकता है, उसको सजा भी हो सकती है। स्कूल में मुर्गा बनाया तो 3 महीने की सजा है, 1,00,000 रुपए का जुर्माना तक भरना पड़ेगा आपको, और दोबारा से अगर ऐसा कुछ होता है तो नौकरी भी आपके हाथों से जा सकती है। जैसे जुवेनाइल एक्ट में हाल ही में संशोधन हुआ, जिसके बाद जेजे एक्ट के तहत सेक्शन 77 के तहत टीचर बच्चों को किसी भी तरह की सजा देता है, बच्चा उसकी शिकायत खुद जुवेनाइल कोर्ट या जिला प्रोबेशन अधिकारी के जरिए अदालत में याचिका दायर करता है तो सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं ये। ओपी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मैं ओपी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस जेजे एक्ट के तहत अब नए संशोधन हुए हैं, क्या इससे बच्चों पर जो पहले अत्याचार होते थे वो कम हो पाएंगे क्या? मैम, ये मतलब बच्चों का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अनुसार ये कानूनन भी अपराध है। हाँ, और ये कम होने की बात अगर इसको संज्ञान में लाया जाएगा
कानून के में, तो भी ये मतलब प्रिवेंट होना बहुत ही आवश्यक है और होंगे तभी ये एक्ट बनाया गया है। बिल्कुल, और इसी वजह से इसमें संशोधन भी किया गया है। ओपी सांगवान जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रदेश में हम देखते हैं अक्सर जो टीचर्स है बच्चों पर कई बार अत्याचार करते हैं, मारपीट तक उनके साथ की जाती है बुरी तरह, इसमें स्टूडेंट तक घायल हो जाता है। अब क्योंकि सजा और बढ़ा दी गई है तो टीचर्स में भी क्या थोड़ा बहुत खौफ आएगा कि जो अत्याचार वो बच्चों पर पहले किया करते थे अब उस तरह के अत्याचार नहीं होंगे? जी, इसमें ऐसा है कि जो पुराने तरीके पे जो एजुकेशन में अपनाए जाते थे उसी के आधार पर बहुत से स्कूल और जो पीछे इसी प्रकार का व्यवहार करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें काफी हद तक तो चेंज हो गया है। लेकिन अगर जो चेंज नहीं हुए हैं तो उनको कानून का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ओपी सरावत जी, साथ ही सरकारी स्कूलों की अब खास तौर पर बात करें तो सरकारी स्कूलों में ऐसे मामले कई बार आते हैं। खुद अम्बाला से पिछले दिनों एक केस आया था, वहां पर बच्चों का सरेआम बाल काट दिए गए एक छात्र के। अब इस तरह की अगर हरकतें होती हैं तो बच्चे तो परेशान होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, उनको इंसल्टिंग फील होता है। अब नए क्योंकि संशोधन की बात हम कर रहे हैं, टीचर्स पर और स्कूल पर किस तरह की जिम्मेदारी अब रहने वाली है? देखिए, ये मतलब वो पुराने तरीके के जो टीचर्स हैं उसमें मतलब जो कानून को नहीं जानते, अभी शिक्षा विभाग में भी ऐसे मतलब सब एक प्रकार के नहीं है, लेकिन काफी सुधार हुआ है और काफी सुधार होने की इसमें बहुत ही गुंजाइश है और ये होना चाहिए। अदरवाइज जो है उनको सजा भुगतनी पड़ेगी जो नए एक्ट के अनुसार है। बच्चों को बड़ा सीरियसली लिया जाता है, विदेशों में तो इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है। अमेरिका जैसे उसमें 13 साल से ऊपर के बच्चे को आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते और वहाँ उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो यहाँ जब से ये एक्ट बना है काफी कम हुए हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे टीचर्स हैं और कई ऐसे पेरेंट्स हैं कि वो केवल मारपीट कर ही बच्चों को समझाना चाहते हैं, वो एकदम बिल्कुल गलत है और कानूनी बिल्कुल अपराध है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओपी शरावत जी, आप हमारे साथ जुड़े। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो विनाइल जस्टिस की तरफ से बोर्ड के जो मेंबर है वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? कुलदीप सिंह, चलिए इनसे संपर्क नहीं हुआ, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब इस तरह के संशोधन होते हैं तो उससे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कितने केसेस ऐसे आते हैं जहां पर अत्याचार होता है और बच्चों को किस तरह से टारगेट कर दिया जाता है। लेकिन अब अगर ऐसा हुआ तो बड़ी सजा आपको मिल सकती है, आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है, सजा भी आपको हो सकती है। और इस तरह से अगर होता है तो क्या प्रदेश में इसका असर देखने को मिलने वाला है, यही आज हम चर्चा लगातार करेंगे कि कैसे अगर मुर्गा भी बनाया जाता है तो आपको सजा हो सकती है। देखिए कैसे मनमाने गुरुओं की खैर नहीं होगी। जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में हाल ही में संशोधन हुआ जिसके बाद टीचर बच्चे को किसी तरह की सजा अगर देते हैं उसकी शिकायत खुद जुवेनाइल कोर्ट या फिर जिला प्रोबेशन अधिकारी के जरिए अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। तो सजा और जुर्माना दोनों हो सकती हैं अगर इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या वाकई में जिस पर्पस के लिए संशोधन इसका किया गया है उससे क्या बच्चों को राहत मिल पाएगी? क्या जो बच्चों से पहले स्कूलों में मजदूरी करवाई जाती थी वो होगी? कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर हैं ये। कुलदीप सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, जी हाँ मैम। कुलदीप सिंह जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन हुआ है, आपसे मैं ज्यादा जानकारी इस सिलसिले में जानना चाहूंगी कि इससे बच्चों पर अब हम कितना सोच सकते हैं कि उनको राहत मिल सकती है। जी मैम, जो एक्चुअली संशोधन हुआ है आपको पता ही है, उसमें जो स्कूल से रिलेटेड आप बात कर रहे थे कि कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात है, बिल्कुल पहले इसको डिफाइन किया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, सेक्शन 23 था वहाँ पे, जिसको बदल के सेक्शन 82 कर दिया गया है। तो इसमें अगर कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर बच्चों को दी जाती है तो उसमें एक्चुअली प्रावधान है जिसे पनिशेबल ऑफेंस, इसमें 3 महीने की तक की सजा का और फाइन का प्रावधान है। जी ठीक, तो 3 महीने की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना? नहीं, 1 लाख नहीं, उसमें फाइन है। दैट वो डिपेंड करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे या एक्ट, जो कंसर्न कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है,
वो कितना उसको फाइन के करते हैं। कुलदीप सिंह जी, हम अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में देखते हैं अक्सर टीचर्स का कई बार अत्याचार स्टूडेंट्स पर होता है, खासतौर पर सरकारी स्कूलों में हम देखते हैं बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, वो कामकाज खुद करते हैं, इसके लिए अब क्या कुछ सजा हो सकती है, ये हम सबसे पहले फोकस करना चाहते हैं क्योंकि कई बार खुद हमने इस तरह के केसेस को उठाया है। देखिए, उसमें सेक्शन 82 में इसको डिफाइन किया गया है, इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस, इसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी इस मामले की कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक, और बच्चा खुद भी इसमें इसके बारे में कंप्लेंट कर सकता है बोर्ड से, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भी और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी वो एप्लीकेशन दे सकता है, और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। कुलदीप सिंह जी, जब शिकायत होती है उसके बाद कार्रवाई का क्या कुछ प्रावधान है, किस तरह की कार्रवाई उस टीचर के खिलाफ होगी या फिर उस स्कूल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जी, वो सेक्शन 82 में ही इसका प्रावधान है, मतलब कंसर्न्ड जो टीचर है या स्कूल है उसके खिलाफ सेक्शन 82 में कार्रवाई, एफआईआर दर्ज हो सकती है, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी इसमें ऑर्डर कर सकती है एफआईआर के लिए। हाँ जी, और ये बोर्ड के पास मामला आता है तो बोर्ड इसमें सेक्शन 82 में कार्रवाई करके अगर वो प्रूव हो जाता है तो उसमें फाइन हो सकता है टीचर को और अप टू 3 मंथ्स ताकि उसको कैद भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुलदीप जी हमने स्कूलों की बात करी कि अगर स्कूलों में अगर इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ बच्चों के साथ किया जाता है तो ये सजा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल आपराधिक गतिविधियों में भी बच्चों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाने लगा है, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी, अगर इस तरह से कोई बच्चों को यूज या मिसयूज करता है उनका तो उसके खिलाफ तो मामला बनता ही है, बाकी दो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को हम दो तरीकों से देख सकते हैं, एक तो जुवेनाइल्स इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिन बच्चों को के साथ अपराध होता है, चाहे वो चाइल्ड लेबर का मामला है या पॉक्सो है जी, या और कॉर्पोरल पनिशमेंट है, हुँ. ये मामला CWC हैंडल करती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कमेटी। हाँ जी जी हाँ, और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में जो बच्चे क्राइम करते हैं हुँ. या लॉ के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, जैसे चाहे वो सीरियस ऑफेंस है चाहे वो पेटी ऑफेंस है जी, तो ऐसे मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, जो कि हर थाने में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स हैं जो कि उस बच्चे के जो भी बच्चा इस मामले में पाया जाता है, इन्वॉल्व पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और उस बच्चे को बच्चे के साथ साथ अगर किसी ने उसको यूज किया है, टारगेट किया है, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? जी, उसके तहत तो जो जनरल लॉ है या सेक्शन 75 भी उसमें है, बच्चे के प्रति क्रुएलिटी है या बच्चे को मिसयूज किया है उसके साथ तहत भी कार्रवाई पुलिस अलग से कर सकती है। हाँ। और बोर्ड भी उसमें कार्रवाई कर सकता है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी उसमें कॉग्निजेंस लेके उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती है, कंसर्न जो भी लॉ बनता है। हाँ। तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई का प्रावधान अब जीडी एक्ट के तहत हो चुका है। बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम पहलुओं पर हमने इस वक्त चर्चा भी करी कि किस तरह से बच्चों को क्या राहत मिलेगी या फिर नहीं मिल पाएगी और टीचर्स में क्या वो खौफ हो पाएगा क्योंकि अत्याचार बहुत ज्यादा बच्चों पर किया जाता है, तो अब टीचर्स की मंशा किस तरह की देखने को मिलेगी, इसी को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए बोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए बोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, बोपाराए बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराए मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बुद्धि का है भंडार, हृष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें
अक्सर खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर, बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही कैंचर लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या वाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम आज वैसे गुरुओं की कर रहे हैं जो मनमानी करते हैं और बच्चों पर टॉर्चर करते हैं। जी हाँ, क्या प्रदेश में इसके बाद स्थिति सुधर पाएगी? क्या स्कूलों में जिस तरह से हम पहले देखते थे, जो चीजें पहले हुआ करती थी, क्या अब वो होंगी या फिर नहीं होंगी? इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले रुख बड़ी खबर का। कल से खुलेंगे प्रदेश भर के निजी स्कूल, करनाल से पक्की बड़ी खबर। जी हाँ, हड़ताल खत्म करने का ऐलान निजी स्कूल ने कर दिया है और धरना अभी जारी है, लेकिन कल कहा जा रहा है कि ये स्कूल ओपन हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस वक्त ये फैसला लिया है और वही हम आपको बता रहे हैं। दरअसल करनाल में 3 दिवसीय धरना ऐसे ही जारी रहने वाला है और करनाल में 3 दिवसीय धरना जारी रहेगा। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, 14 और 15 मई को कैबिनेट मंत्रियों का घेराव ये करेंगे। तो कल से प्रदेश भर के जो निजी स्कूल हैं, जो पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर बने हुए थे नियम 134 को लेकर, वो दरअसल अब अपनी जो निजी स्कूल हैं वो ओपन कर देंगे। हालांकि धरना अभी वापस नहीं लिया गया है और जो रणनीति थी वो रणनीति ऐसे ही रहने वाली है और करनाल में जो है 3 दिवसीय धरना जो इनका है वो जारी रहेगा ऐसा ही। इसके अलावा आपको बता दें कि 14 और 15 मई को कैबिनेट मंत्रियों का घेराव ये लोग करने वाले हैं।
कल से प्रदेश भर के निजी स्कूल खुलेंगे। जी हाँ, करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राम अवतार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव है निजी स्कूल संघ के। राम अवतार जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी जी। राम अवतार जी, कल से प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, वजह आपसे जानना चाहेंगे, और हड़ताल भी क्या आप खत्म कर देंगे? ऐसा जी, जिन बच्चों के 99% बच्चों के हमारे पास एडमिशन हो चुके हैं, हाँ, उन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, तो उन बच्चों के परीक्षा के जो आगे पेपर भी होने हैं, उन बच्चों के हितों को देखते हुए, उन बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए हमने खोला जाए। और 3 दिन का धरना यहाँ पीएम सिटी करनाल में लगातार 3 दिन का धरना जारी रखा जाए, तो बच्चों के हितों को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। राम अवतार जी, और जो बाकी की आपकी स्ट्रेटजी थी, जैसे आपने कहा था कि आप मंत्रियों के घरों का आवास का घेराव करेंगे, क्या वो वैसे ही रहने वाली है आगे भी? जी, वो स्ट्रेटजी हमारी वैसे ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम अवतार शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो बता दें आपको, कल से प्राइवेट स्कूल ओपन हो जाएंगे, वजह ये बताई जा रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में काफी नुकसान बच्चों को हो रहा था, और इसी वजह से अब उनको फिर से ओपन किया जाएगा। जो यहाँ बड़ी खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन बात आज हम कर रहे हैं जेजे एक्ट में हुए संशोधन की। इससे प्रदेश के स्कूलों की स्थिति क्या बेहतर हो पाएगी, क्या वो शिक्षक सुधर पाएंगे जो स्टूडेंट्स पर अत्याचार करते हैं, उन पर जुर्म ढाया जाता है, क्या इन सब चीजों के बाद वो हालात सुधर पाएंगे? खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण शौकीन जी। अरुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे संशोधन को, और कितना जरूरी था इसको भारत में लाने के लिए, खासतौर पर जहां पर बच्चों के साथ इतना अत्याचार होता है उसको देखते हुए? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 3 पार्ट्स के अंदर पूरा पूरा वेल डिफाइन किया गया है। 2000 के अंदर जब ये एक्ट बनाया गया, उसका बेसिक पर्पस था चिल्ड्रंस जो इन नीड ऑफ केयर्स एंड प्रोटेक्शंस एंड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, उनको कहीं ना कहीं बचाव देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम जब बच्चे की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ विक्टिम एज वेल एज द एक्यूज्ड। हाँ जी, विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार सरकार की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से लॉ पास किए जाते हैं, उनमें चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। बिल्कुल। फॉर द सेम पर्पज 2007 के अंदर इसमें कुछ रूल्स एड किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, एंड आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ निर्भया कांड, कहीं ना कहीं उस कांड को, एक निर्भया कांड को दिमाग में रखते हुए, सोच में रखते हुए, फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोटेक्शन एंड द पर्पज ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द जुवेनाइल्स एंड द विक्टिम्स, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जेजे एक्ट 2015 में अमेंडमेंट्स किए गए। मेजर अमेंडमेंट जो 2015 में किया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो पूरी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पूरी यूनिट एस्टेब्लिश की गई है बाय द जेजे एक्ट, जिसके अंदर तीनों यूनिट्स आती हैं। बेसिकली वी हैव द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसके अंदर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट्स रहते हैं, जो एक JMIC होती है, वो अपनी कैपेसिटी के अंदर जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज के इश्यूज को डील करती है, और विक्टिम्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए डील करती है। ऑन द सेकंड हैंड वी हैव CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रहती है, जिसके अंदर चेयरपर्सन होती है, चेयरपर्सन अलोंग विद द 4 अदर मेंबर्स, 5 मेंबर्स की एक पूरी कंप्लीट एक पूरी कमेटी होती है। दैट चेयरपर्सन इज ऑल्सो हैव द पावर, उनको भी लगभग JMIC के लेवल की शक्तियां उनको दी जाती है, ताकि बच्चे के बचाव के लिए वे किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी संस्था के किसी भी दबाव को माने बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बच्चे के बचाव के लिए हर तरह की कार्रवाई कर सके। साथ ही यहाँ पर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी अरुण जी, कि हम देखते हैं हरियाणा के स्कूलों में आज भी बच्चों से क्लासेस साफ करवाई जाती है, वो गार्डनिंग करते हैं, घास उखाड़ रहे होते हैं, क्या इन सब चीजों में भी कोई सजा का प्रावधान है? क्योंकि जब हम टीचर्स से इस सिलसिले में बात करते हैं, तो वो कहते हैं ये बच्चों का काम है, अपनी ही तो क्लास साफ कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के प्रोविजंस के मुताबिक और लॉ के प्रोविजंस के मुताबिक काफी सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। जो आपने एक सवाल पूछा कि उनसे लेबर वर्क कराया जाता है, लॉ बिल्कुल वेल सेटल्ड है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर जो किसी भी बच्चे से स्कूल्स, अपनी किसी भी निजी संस्था के अंदर, कहीं पे भी, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर, कहीं पे भी अगर जो बच्चे से लेबर वर्क लिया जाता है 14 साल से नीचे के बच्चे से, तो पूरी तरह से एक प्रोहिबिटेड एक्ट है, उसके लिए पनिशमेंट भी दी हुई है चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंगली। अगर जो लेबर लॉज के अकॉर्डिंगली अगर जो कहीं पे भी ऐसा कोई बंदा विक्टिम पाया जाता है, एक्यूज पाया जाता है, तो उसके ऊपर 20,000 रुपए तक की सजा और 20,000 रुपए तक का फाइन और सजा दोनों का प्रावधान है। सवाल ये आता है जो स्कूल्स में, क्योंकि बींग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पैनल एडवोकेट, अथॉरिटी की तरफ से हमें सजेशंस दिए जाते हैं, हम विजिट्स करते हैं स्कूल्स के अंदर जाके इन्हीं सजेशंस के बारे में बताने के लिए, बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए कि आप लेबर वर्क के अंदर ना इंडल्ज हो। बिल्कुल। कोई लेबर वर्क अगर जो आपसे स्कूल्स में कराया जाता है, तो हमें इंटीमेशन दी जाए,
काफी विजिट्स रही है स्कूल्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से हमारी, वहां पे हमें काफी बार स्कूल्स की तरफ से एक एक्सक्यूज आता है कि सर लेबर वर्क क्या है। मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा बच्चों के लिए भी और स्कूल्स अथॉरिटीज के लिए भी। जहां पे आप लेबर वर्क यूज करते हैं वहां पे लेबर वर्क से कहने का मतलब है एक ऐसा काम जिसको बच्चा करना नहीं चाहता उसे कराया जाता है, उससे कराया जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल की साफ सफाई रखना बच्चे की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज अपॉइंट होते हैं, स्कूल अथॉरिटीज के पास एम्प्लॉय होते हैं, उनसे वो काम कराया जाना चाहिए, बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। कई बार कहा जाता है बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल्स के मेंटेनेंस के अंदर रोल प्ले करें, सहयोग करें। बिल्कुल, कई बार हम स्कूल्स में जाते हैं, हमने वहां पे भी देखा है स्कूल्स के अंदर जैसे टीचर्स होते हैं तो बच्चों को कह दिया जाता है कोई अगर आउटसाइडर विजिट करता है तो उनसे पानी मंगवाया जाता है, उनसे बाकी काम करवाया जाता है। यानी कि ये भी सजा के अंतर्गत ही है। और कहीं ना कहीं अगर जो इट इज ए फेस ऑफ द लेबर, इफ इट इज नॉट वॉलंटियरली इट इज ए फेस ऑफ द लेबर। चलिए बिल्कुल अरुण जी, बहुत तफसील से हमने पूरी जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से अगर बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है और स्कूलों में भी ये कहकर ये तर्क दे दिया जाता है कि उनका काम है तो वो कतई उनका काम नहीं है, इसके लिए जो बाकी के कर्मचारी उनको अपॉइंट किया जाता है। अरुण जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर नजर बनाए रखने के लिए। तो आज हमने इस खास कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश की कि क्या जेजे एक्ट में संशोधन के बाद वाकई प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे हैं उनके हालात सुधर पाएंगे, क्या टीचर्स ऐसे गुरु जो बच्चों को अपमानित करते हैं उन पर दंड का इस्तेमाल करते हैं क्या वो कंट्रोल में आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। उम्मीद यही की जा सकती है आने वाले वक्त में कि जो स्टूडेंट और शिष्यों के बीच में, शिष्य के बीच में और जो टीचर्स के बीच में जो एक रिश्ता है वो ऐसे ही कायम रहे बजाय कि इस तरह के जो एक्ट है उनको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।